हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने जगाधरी के वृद्धा आश्रम में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। अपने चिर परिचित जनदास में उन्होंने यहां भी विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष किया। इस कार्यक्रम में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, बीजेपी जिलाध्यक्ष महेंद्र खदरी, मार्केट कमेटी जगाधरी के चेयरमैन संजीव गर्ग, पवन शर्मा, शालू जौहर, युवा मोर्चा मंडल बीजेपी के अध्यक्ष राहुल, पार्षद वार्ड नंबर 1 अजय राणा, वार्ड नंबर 7 रामासरा, बीजेपी कार्यकर्ता अजय मंगला, संजीव कुमार, मंगलवार दास भोला, अजय धीमान, वरुण बत्रा व अन्य बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ये जो कार्यकर्ता है, ये ऐसी फौज है जो कभी भी बैरकों में नहीं जाती। इनको एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम दिया जाता है। अभी हम लोकसभा का चुनाव जीते हैं, हमने सारी अपनी उसमें एनर्जी लगाई है, ताकत लगाई है और अभी एकदम सदस्यता अभियान और संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत सभी मंत्रियों की, सभी लोकसभा सांसदों की और अन्य जो वरिष्ठ विधायक हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि वो एक एक मंडल में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बाकी जो पार्टियाँ हैं उनका जहाज डूब रहा है और कुछ लोग उसमें से छलांग मारकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास हमारा मुद्दा है, हम विकास मतलब भाजपा, भाजपा मतलब विकास।